भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाकर्फ्यू जारी है। अब तक भीलवाड़ा में कुल 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 25 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2 की मौत हो गई है। इसके अलावा 1 मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आई है और 4 नए मरीजों का आइसोलेशन वार्ड में उपचार जारी है। वहीं भीलवाड़ा में पिछले दिनों विजय सिंह पथिक नगर निवासी युवक की रिपोर्ट गलत प्रिंट के कारण पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद उसके परिवार समेत 58 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। ऐसे में आज उस मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी परिजनों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है, जबकि युवक को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं मंगलवार को आए 4 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट क्रॉस चेकिंग के लिए उदयपुर की लैब में भेजी गई है। बता दें कि भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में लगाई गई कोरोना जाँच लैब में अगले सप्ताह से जाँच प्रक्रिया शुरू होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे भीलवाड़ा संवाददाता योगेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, क्या कुछ अपडेट है? एक जो पॉजिटिव जिसको बताया गया था, उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, उसके संपर्क वाले लोगों को भी अब होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। जी, ये गलत प्रिंट होने के कारण एक युवक को पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव आ गया था, उसको तुरंत आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया था और उसके जो परिवार के 58 व्यक्ति थे उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया था और सबकी रिपोर्ट सैंपल लेके भेज दिए गए थे। सबसे राहत की बात यह है उस युवक के लिए कि उसके आज पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नेगेटिव रिपोर्ट के आने के कारण पूरे परिवार के 28 जनों को वापस होम आइसोलेशन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके बेड भेज दिया गया है और जो ये पॉजिटिव व्यक्ति था संजय, इसको स्टेप डाउन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आशीष जी, बिल्कुल। और लगातार कर्फ्यू जारी है भीलवाड़ा में, किसी प्रकार की कोई राहत दी गई है या फिर और कोई रणनीति बनाई गई है? क्योंकि अधिकांश जो मरीज थे उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है, क्योंकि वो कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ चुकी है, तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा मामले बचे नहीं है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में क्या है, कर्फ्यू को 35 दिन हो गए और मां कर्फ्यू को 21 दिन हो गए, लेकिन अभी विगत 2 दिन पहले जो 4 जनों का अचानक को जो कोरोना पॉजिटिव आने के कारण और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। भीलवाड़ा की सीमाओं में को चारों तरफ से और ज्यादा रूप से सील करके और सख्ती कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति बिना कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट लिए बगैर न तो भीलवाड़ा से जा सकता है न आ सकता है। कलेक्टर ने 4 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद और सख्ती बढ़ा दी गई है। भीलवाड़ा शहर में भी सख्ती बढ़ा दी गई है, 160 बैरिकेड और लगा के कॉलोनियों को और मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है, लेकिन खाद्य सामग्री जो है वो घर घर पहुंचाई जा रही है, दवाइयां घर घर पहुंचाई जा रही है। आमजन को परेशानी नहीं हो उसके लिए पूरे पुख्ता व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने। आशीष जी, एक हॉस्पिटल का स्टोर कीपर जिसका बेटा कोरोना पॉजिटिव था और हड़कंप मच गया था, कितने लोगों को आइसोलेट किया गया है, क्या कुछ अपडेट है उस मामले में? ये जो स्टोर कीपर का बेटा 15 तारीख को ही भीलवाड़ा आया था दिल्ली से जी, और उसके साथ में युवती भी आई थी, जो दोनों ही लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन स्टोर कीपर लगातार महात्मा गांधी चिकित्सालय, जो सरकारी चिकित्सालय है, भीलवाड़ा का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, वहाँ लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, तो वहाँ भी एक सूची बनाकर 135 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और वहाँ सभी के सैंपल लेके भिजवा दिए गए हैं। आशीष, क्वारंटाइन के दौरान वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं या फिर उनकी जगह किसी अन्य को ड्यूटी पे लगाया गया है? नहीं, क्वारंटाइन की दे रहा है, वो अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, उनकी जगह दूसरों को लगाया गया है ड्यूटी पे, उनको सभी को क्वारंटाइन में भेज दिया गया और सैंपल भेज दिया गया रिपोर्ट की प्रतीक्षा में। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे भीलवाड़ा संवाददाता योगेश शर्मा, जिन्होंने भीलवाड़ा को लेकर जानकारी दी।